कभी कभी आपको लगता है ना कुछ चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा इरीटेट करती हैं। वैसे एक मेरा मास्क है जो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है बाइक चलाते हुए। चलो एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहा है 11:44 AM इन द मॉर्निंग और अभी मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थ के पास। आज का प्लान कुछ नहीं पता, पर अभी मौसम देखो देहरादून का, लिटरली काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। इस वक्त बरसात हो रही है, बूंदें गिर रही हैं, मतलब कुछ ही दिनों में ना ऊपर बरसात, ऊपर तो मसूरी में तो बर्फ़ गिरने वाली है भाई साहब। कुछ देखो क्या दौड़े गिल्ली हो रही हैं, अपन लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तब भी यार ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फील हो रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है इसे कैसे बताऊँ, हवा आ रही है और सुइयाँ मार रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतनी तो ठंडी आपको तब भी लगती है जब आप फ्रीजर में हाथ रखते हो, कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो रही है, पर तब भी हम तो झेल लेंगे क्योंकि हमारे लिए तो यूज़ टू है यार, पहाड़ी लोग तो यूज़ टू होते ले अगर ठंड झेल लेते हैं, पर मज़ा अलग है अपना, अरे नेक्स्ट लेवल मज़ा है। बाकी बरसात भी हो रही है इसलिए ऐसा ना हो कि भीग जाओ, तब तो मेरी टूट, तब तो पूरी पूरी हो जानी मेरी। ऐसे लोगों के चक्करों में तो एक्सीडेंट होते हैं, देख रहे हो जरा। बाकी यार एक काम कर दो बस, तुम सब ना मिलके मेरा जो भी मेरी वीडियो देखता है यार, थोड़ा ना यार सब्सक्राइब कर दो। गलत बात है यार, मतलब मेरे सब्सक्राइबर 10% देखते हैं वीडियो, बाकी सबके सब अनसब्सक्राइब्ड है। तो यार ऐसे ना मोटिवेशन आती है बहुत ज़्यादा, ऐसी मोटिवेशन आती है ना कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ वाली मोटिवेशन आती है। अब मोटिवेशन लाने के लिए यार थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सही है बस। हाँ बटन, हाँ दिख रहा है बटन, बटन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, बस बस उसको दबा दो, दबाओ, हाँ हाँ दबाओ दबाओ, अरे मैं कह रहा हूँ दबा दो वहीं दबा दो, हाँ 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 हाँ। दबाने के बाद जो आता है ना एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम मोटिवेशन जी, उससे ना मज़ा आता है। बाकी चलो ये बात बाद में करेंगे, फिलहाल अभी पहुँचते हैं चुकी रोड, देखो क्या गीली गीली है, मेरा हेलमेट में भी पानी पानी हो गया, शायद लेंस में भी पानी आ गया होगा एक बार के ऊपर हो गया, तो हाथ मार लेता हूँ, हाथ नहीं ग्लव्स मार लेता हूँ क्योंकि हाथ तो ग्लव्स के अंदर है। पावर इतना प्यारा है, जो है तुम एक बार सिटी में चला रहे हो ना तो थोड़ा बहुत माइलेज तो ड्रॉप होता है इसका, वो डिपेंड करता है चूँकि ये ना बोलती है तुम्हें कि भगाओ, एक्चुअली तुम चाहते तुम इस पर बैठोगे कि सोच के आज मैं 60 के ऊपर लेके जाऊंगा ही नहीं, और इस पर बैठोगे बोलेगी क्यों भाई ऐसा कैसे नहीं जाएगा ऊपर, मैं लेके जाऊंगी वाला हिसाब है। बाकी मैं तो भाई मेरे साथ तो खुश रहती है मेरी बाइक, और यहाँ देखो स्लिप होने वाली थी क्योंकि वो है, मेरे को टायर में भी हवा कम लग रही है थोड़ी सी, तो हवा दिलवा देंगे थोड़ी सी। बाकी सिद्धार्थ मेरा वेट कर रहा है ओल्ड मसूरी रोड पे, उससे मिलता हूँ, सब देखते हैं क्या बनता है सीन। ऐसा हो जाए ना यार स्नोफॉल पे, लास्ट जब लास्ट स्नोफॉल हुआ था तब मैंने बहुत मज़े मारे थे ऊपर, मैं गया था और विपुल गया था, और हम दोनों ने यार जो ऊपर मज़े मारे स्नोफॉल में बाइक चलाई हमने, स्नोफॉल पे, स्नोफॉल ऊपर से हो रही है मेरे पे, स्नोफॉल गिर रही है, मैं बाइक चला रहा हूँ। बाकी ये जो कलर स्कीम है ये ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ब्लैक से, पहले मुझे ब्लैक पसंद था, पर यार ब्लैक ना यार वो फील नहीं देता, लिटरली जो लाल पे फील आता है ना कि अलग से दूर से दिख रही है हाँ आ रही है, ब्लैक में वो नहीं है, ब्लैक में वो बस ग्राफिक्स है बस, उसके लिए लोग खुश हो रहे हैं कि अपाचे लिखा हुआ है। यार वो अपाचे की बात है ना, देखो वो तो आप रैप करा सकते हो, अगर मैं चाहूँ कभी बाद में तो मैं यार इसे पूरा ब्लैक भी करा सकता हूँ, पर मैं इसे ऐसा रेड नहीं करा सकता, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं वैसा ब्लैक इसे करा सकता हूँ, ग्लॉसी ब्लैक करा सकता हूँ, पर जो ये कलर है एग्जैक्टली ये कलर, ये मैं नहीं करा सकता, अगर मेरे पे ब्लैक बाइक है रैप करा के मैं इसे ब्लैक बना सकता हूँ, तो ये एक एडवांटेज मुझको है। तो सिद्धार्थ सर तो मिल चुके हैं, ये जा रहे हैं सिद्धार्थ सर, हम जा रहे हैं पीछे पीछे। तो देख बताऊँ तो ये हमारी एक टाइप से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट साइड है, पूरा मसूरी कोरा कोरा हो चुका है भाई, पूरा कोरा कोरा, क्या कोरा ऊपर जाके मेरे हिसाब से हमें कोरा मिलने वाला है, मॉइस्चर से कपड़े गीले होने वाले हैं, और रीज़न एक और है हमारा जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि हमें साइलेंसर फिट करवाना है बाइक पे, तो पहली सर्विस के बाद ही साइलेंसर लगेगा, तो जल्दी जल्दी किलोमीटर कवर करने हम लोग इंटरसेप्टर के, मैं इस पर होना लगाऊंगा लाइव साइलेंसर, इसमें यार साइलेंसर लगाने के बाद वो प्यारी आवाज़ ख़त्म हो जाती है यार, पता नहीं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसकी जो टॉक आवाज़ है, मुझे ज़्यादा पसंद है,
पता नहीं लोगों का क्या करना है, पर मेरे लिए तो बहुत प्यारी आवाज़ है। थोड़ी धीरी होती है 4000 RPM के बाद मज़ा आता है, पर ऊपर डाल दिया वो सॉरी रेन मोड पे डाल दिया है, थोड़ा ही वे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है रेन मोड पे। कभी भी किसी बाइक के पीछे मत चलाओ, क्योंकि सॉफ्ट कंपाउंड टायर आते हैं और वो पत्थर फेंकते हैं पीछे की तरफ, तो वो कोशिश करो कि थोड़ा गैप पे लेके चलो, थोड़ा गैप, और लीन करते हुए भी बिल्कुल पीछे मत रखो। जैसे अगर वो यहाँ लीन कर रहा है तो तुम यहाँ पे लीन करो, जैसे दाल अगर इस साइड लीन कर रहा है तो मैं इस साइड लीन कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है लीन करते हुए, कुछ भी हो सकती है, कभी बाइक स्लिप हो जाए, कभी एकदम से पैनिक ब्रेकिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो तुम अपना थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। देखो दिक्कत बताओ क्या होती है इसमें, ये ना ठंडा हो जाता है और आपकी टांगे ना पूरे वक्त इसमें चिपकी रहती हैं, तो क्या होता है वो ठंडा ठंडा ना आपको लगने लग जाता है, ठंडा टंकी से आप पे आने लग जाती है। अब मेरी टांगे जो है ना वो सुन हो चुकी है, सुननी हुई है पर ठंडी आ रही है। टैक्सी वाला हमको ओवरटेक करने नहीं दे रहा है, मेरे को नहीं मतलब सिद्धार्थ को, मैं तो सिद्धार्थ के पीछे हूँ। सही जगह नहीं है ओवरटेक की, पर ठीक है तब भी। तो मैं अपना तुम्हें फंडा बताता हूँ राइड के वक्त का, मैं ओवरटेक क्यों नहीं करता अपने आगे वाले राइडर को, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट बताता हूँ मैं तुम्हें। तो देखो जो मेरा हिसाब है, जो मेरा मानना है कि देखो यूनिटी में चलो, ग्रुप में चलो, जब ग्रुप आ रखा है तो ग्रुप के साथ चलो। बहुत लोग होते हैं जिनको लगानी होड़ होती है कि भगानी भगानी, पर मेरे को अंदर नहीं हो, मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर आप मेरे को बीच में भी रखो पीछे भी रखो, मेरे को मज़ा आता है ग्रुप में, हल्के भी चल रहे हैं तब भी बढ़िया मिल ले। मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी कुछ भी लो ना, एक राइडिंग बूट्स या फिर सेफ्टी बूट्स ज़रूर लेना अपने लिए, क्योंकि आप मैं अभी वेट सरफेस पे हूँ, मैं वेट सरफेस पे हूँ, पानी छिड़क रहा है, पानी मेरे जूतों पे आ रहा है, पर चूँकि मेरे जूते वाटरप्रूफ हैं तो उससे दो एडवांटेज हो रही है मुझे, एक तो हवा अंदर नहीं आ रही है, जैसे मेरी टोपे हवा आती ना वो हवा नहीं आ रही है टोपे, ऊपर से पानी भी फील नहीं हो रहा है जो गिरा हुआ है, चूँकि वाटरप्रूफ है यार, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है आपको लॉन्ग राइड पर, अगर कोई ठंडी जगह जा रहे हो लॉन्ग राइड में ज़्यादा कंफर्टेबल आप होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे ग्लव्स देख लो, मुझे पता ही नहीं मेरे को ठंड लगनी है, पर मैंने पहन रखे जो कि कुछ हद तक ही रोक देते हैं। अभी बदलूँगा उस वो बिल्कुल लूँगा लेदर वाले, जिनमें बिल्कुल ही हवा नहीं आती है अंदर, ये गर्मी में भी यूज़ करूँगा, उनको सर्दियों में यूज़ करूँगा, वरना यूज़ तो मैंने भी कर सकता हूँ, अंदर से दो तीन चीज़ें और पहन, दो तीन ग्लव्स और पहनने पड़ेंगे, पर वरना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, पहले एक ग्लव्स निकालो फिर दूसरा निकालो, फिर उसके बाद कैमरा सेट करो, फिर कैमरा ऑन करो, फिर खाने के लिए जाओ, फिर रुको, फिर सब निकालो, फिर पहनो, फिर कैमरा सेट करो, फिर पहनो, फिर कैमरा निकालो, बहुत भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है हेक्टिक। अभी कहीं मेरे को दिखता है तो मैं देहरादून दिखाता हूँ, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, तुम खुद ही बोलोगे भाई कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर। एक ना मैं आगे इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं एक ना कॉन्स्टेंट फेयर में रहता हूँ कि मैं ग्रुप को छोड़ ना दूँ। वो देखो देहरादून क्या सुंदर लग रहा है, ओ भाई साहब देहरादून में रहने के बिना अपने बहुत सारे फायदे हैं, बहुत इतनी सुंदर जगह देखने को मिलती है आपको कि आप खुद ही बोलते हो अरे यार क्या प्यारी जगह है। देखो कौन बोलता है यार, ये देखो सुंदर देख रहे हो कितना लग रहा है, ओए 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 माउंटेन सब कुछ ब्यूटीफुल, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ देखी होगी। वो देखो सिद्धार्थ भी पूरा वक्त वहीं पे देख इशारों में समझ जाते हैं कि क्या बढ़िया लग रहा है। अब टाइम आ चुका है कोहरे में घुसने का, क्योंकि कोहरा दिख रहा है मुझे यहीं से, और अब मेरे को लग रहा है मोर हाइट पे जाने वाले तो कोहरा डेफिनेटली मिलेगा, हाथ मेरे सुन हो चुके हैं एक्चुअली,
सबकी जैकेट निकल चुकी हैं। देखो कारा ना कोरे पे एंटर करने वाले आ गया ना कोरा, पता नहीं वाइजर पे ना रखा हो। थोड़ा पीछे रखो, पीछे ले जाओ थोड़ा सा गाड़ी। बारिश में पहले तो ये देख ले पिछवाड़े गिल्ले हो जाएंगे। तेरे पे क्या खाना पीना तो हो गया, पर बारिश शुरू हो गई मसूरी पे। ओ बॉय, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही, इस पे पानी देख और इस पे देख, अलग ही लेवल का। नहीं दे दे साला, मुझे भी दे दे, मैं भी साफ कर लूँगा, मेरे को भी दे दे। कैसा गंदा आदमी यार। तो क्या गीला हो जाऊँ, बुखार हो जाएगा तो अच्छा लगेगा तेरे को। अच्छा तो अभी प्लान है वापस घर जाने का, क्योंकि यहाँ पे हो चुके हैं बारिश शुरू। मैं नहीं चाहता कि मैं बारिश में भीगूँ और परेशान हूँ और बुखार उखार हो जाए। बाकी रीज़न ये भी कि गोप्रो में बैटरी ख़त्म हो गई, 7% बैटरी बची है, जो अब मेरे मुश्किल से 5 मिनट नहीं चलने की। दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो अभी मैं अपनी वीडियो ये वाली यहीं पर एंड करता हूँ। कुछ अगर मिला थोड़ा बहुत भी अगर बैटरी बची हो, कुछ दिखाने वाला तो दिखा दूँगा, पर अभी तो कुछ नहीं हो सकता। इंजन मेल फंक्शन दिखा रहा है, जब से इन बेकार सर्विस सेंटर पर सर्विस करी तब से गाड़ी ना पावर भी कम आ रही है, सब कम आ रहा है। देखो लो बैटरी का साइन भी आ गया।